सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, क्या कहता है अभी तक का रुझान? जी देखिए, जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा है। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की, और उसमें से एक भी सीट पर, यानी 27 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 27 सीटों में से एक भी सीट पर कांग्रेस कहीं से कहीं तक आगे नहीं दिखाई दी है। कुल मिलाकर के 0 पर है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि मध्य प्रदेश का जो रुझान है वो बीजेपी का रुझान है। और अगर हम शिवराज जी की बात करें तो शिवराज जी लाखों वोटों से, 6 लाख वोटों से करीबन आगे हैं। इधर सिंधिया जी की बात करें तो सिंधिया जी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। इधर कमलनाथ के यहाँ की बात करें छिंदवाड़ा की, जो कि नकुलनाथ उनके बेटे हैं, चुनाव लड़ रहे थे, तो वो भी ऐसा सामने आया है कि जो मतगणना स्थल पर थे, मतगणना स्थल से वह अपने घर के लिए निकल गए हैं, और उन्होंने भी माना है कि हाँ हम बहुत पीछे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मायूसी भी है, लेकिन खुले विचारों से जरूर नहीं कहा उन्होंने, लेकिन स्पष्ट तौर से ना कहते हुए उन्होंने इनडायरेक्ट में जरूर कहा है, हार को स्वीकार किया है। इधर कमलनाथ जी पीसीसी कार्यालय आए हुए थे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी थे, हालांकि जीतू पटवारी अभी है, लेकिन कमलनाथ जी आए हुए थे। बैठक में बैठक हुई थी इनकी पर्सनली अंदर, और उसके बाद में नतीजे भी देखे थे। नतीजे के बाद जब कमलनाथ जी यहाँ से निकले और उनसे पूछा कि आप के बेटे नकुलनाथ पीछे हैं, तो काफी पीछे, तो उन्होंने कहा जो छिंदवाड़ा की जनता है, छिंदवाड़ा की जनता पर हमें पूरा भरोसा है और छिंदवाड़ा की जनता जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, हालांकि देखते आगे क्या होता है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि कमलनाथ जी अभी कुछ ही समय पहले अपने निवास से छिंदवाड़ा के लिए निकले हैं। अब छिंदवाड़ा में पहुंचने के बाद फिर किस तरह की उनकी भूमिका वहां रहती है ये अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश आप देखिए कि लगभग हर एक राज्य में कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 29 सीटों में से, पहली बात तो 27 सीट पर ये चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, 2 सीटों पर नहीं लड़ पाए। तीसरा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के आगे पीछे की रुझान की, तो यहाँ सीधा सीधा बीजेपी का है, यहाँ कांग्रेस कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही, 0 पर कांग्रेस चल रही है। हालांकि जो भोपाल की बात करें तो भोपाल से भी जो पहले रिकॉर्ड हुआ था लाखों का, हालांकि वो उतना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो यहाँ से आलोक शर्मा है जो कि पहले महापौर भी रह चुके हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव में जो ये खड़े हुए थे आलोक शर्मा, तो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर इन्हें मौका मिला, टिकट दिया बीजेपी ने और इन्होंने फिर फाइट की। कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव जो कि एडवोकेट है, उन्होंने फाइट की थी, लेकिन वो बहुत काफी पीछे हैं, लाख वोट के पीछे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आलोक शर्मा का माना जा रहा है कि आलोक शर्मा निकल सकते हैं, जीत सकते हैं। जी गब्बर जी, भाजपा 29 के 29 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा जिसे कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, जहां पर से नकुलनाथ भी पीछे चल रहे हैं और कमलनाथ ने अपनी हार भी स्वीकार की है। भाजपा को डबल इंजन की सरकार को मध्य प्रदेश में क्लीन चिट मिली है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात सही है कि भाजपा के लिए मध्य प्रदेश से क्लीन चिट मिली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अनुमान जो लगाए जा रहे थे, अनुमान 10 से 12 सीटों के कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में 10 से 12 सीटें आएंगी, क्योंकि 29 सीटें हैं, 29 सीटों में से 27 सीट पर ये लड़ रहे थे, क्योंकि जो आपका बीडी शर्मा वाली सीट है खजुराहो की, तो उसमें जो कांग्रेस का कैंडिडेट था गठबंधन वाला, सपा को दिया था इन्होंने, तो उस व्यक्ति ने फार्म पे दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए कैंसिल हो गया था। अब बची थी 28, 28 में से आपके जो इंदौर वाली सीट थी अक्षय कांति बम की, तो अक्षय कांति बम ने आनंद फानन में और बिल्कुल मतलब 2 दिन पहले ही कहा जाए कि अपना फार्म वापस ले लिया था, तो एक वो वहां से सीट निपट गई थी कांग्रेस की, ऐसे में 27 सीटें बची थी। अब 27 सीटों में से कहीं से एक भी ऐसा रुझान सामने नहीं आया है कि जो बढ़त बनाई हो बीजेपी से, बीजेपी से टक्कर ली हो। आप फिर चाहे कमलनाथ के गढ़ की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, हालांकि बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था छिंदवाड़ा में, और उसका कहीं ना कहीं एक रुझान सामने आया, जो बंटी साहू के ऑडियो भी जारी हुआ था, वायरल भी किया गया था चुनाव के वक्त में,
किसने किया था ये अलग बात है, लेकिन मीडिया में काफी हंगामा मचा था। और इधर दूसरी तरफ आप देखें कि जो राजगढ़ है जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह की भी हालत माली दिख रही है। तो ये जो कांग्रेस का दावा था कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ या दिग्विजय सिंह, फूल सिंह बरैया, सागर से गुड्डू बुंदेला, ये जो तमाम है ये निकल जाएंगे, लेकिन ये कहीं से कहीं तक कांतिलाल भूरिया ये कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। और अरुण श्रीवास्तव का भी माना जा रहा था कि हो सकता है अरुण श्रीवास्तव भोपाल से जीत अपनी हासिल कर लें, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। और कहीं भी 1% ऐसा एक भी मतलब 27 सीटों में ऐसा एक भी जगह ऐसी नहीं दिखाई दी जहां पर किसी भी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपनी आगे बढ़त बनाई, ना तो पहले बनाई और ना बाद में बनाई, 0% की रह गई है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि अभी मैं कांग्रेस कार्यालय के पास में खड़ा हूँ, सन्ना का पसरा हुआ है। हालांकि पीसीसी के जीतू पटवारी जी आ रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अगर बात होती है तो, लेकिन जिस तरीके से जो रुझान है वो रुझान जो सामने आए हैं वो कुल मिलाकर के 27 सीटों पर जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना चुनाव लड़ रही थी वो 0 पर दिखाई दे रही। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं आया है कि कांग्रेस ने कहीं एक भी सीट पर अपनी बढ़त बनाई है। जी जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।